जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ब्लूटूथ है, कॉलर ब्लूटूथ। इसमें क्या है दोस्तों, ये ऑन तो हो रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन क्या है दोस्तों, किसी से जब फ़ोन करते हैं या किसी का फ़ोन आता है तो आवाज़ तो आती है उधर से, लेकिन इधर का आवाज़ उधर नहीं जाती है। इसका माइक ख़राब हो रहा है दोस्तों, तो इसका माइक हम चेंज करेंगे। तो इसका जो माइक है दोस्तों, आप देखेंगे बहुत ही छोटा सा है, और ये देखेंगे आप, ये SMD वाला है, ठीक है, वायर वाला नहीं है, ना इसका कोई पिन है। ये जो होता है एयर हीट गन होता है, उससे लगता है, लेकिन मेरे पास एयर हीट गन नहीं है, मेरे पास बस एक आयरन है। इसकी मदद से मैं इसका माइक चेंज करूँगा। तो दोस्तों कैसे, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर भी कर लीजिए क्लिक, ताकि जब भी इस पर वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा हमारा वीडियो में कि LED लाइट में भी मैंने SMD जो LED होता है उसको ही मैंने चेंज किया है इस आयरन की मदद से। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये माइक चेंज करके आपको दिखाऊंगा, जो कि बिना वायर वाला है और ये SMD LED है, माइक है। तो दोस्तों कैसे चेंज करेंगे, तो ये देखिए, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस साइड से, जिस साइड से माइक वगैरह है। तो इस तरह से ये मैंने साइड में कर दिया इसको, और ये जो इसका सर्किट है, और इसमें जो देखेंगे माइक, इसके अंदर यही वाला माइक लगा हुआ है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। ये देखिए, ये वही माइक है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, इसमें ढेर सारे वायर लगे हुए हैं, पहले इन वायर को हटाएंगे हम। तो आप ध्यान देंगे हटाने से पहले वायर को, कौन कौन सा वायर किसका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा राइट का प्लस, राइट का माइनस, और इधर बैटरी प्लस बैटरी माइनस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम वायर को निकाल लेते हैं सोल्डर की मदद से। पहले तो ये माइनस का निकाल दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद रेड वाला प्लस है तो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये दोस्तों बैटरी वाला है, कहीं अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो कोई भी चीज़ ख़राब हो सकता है, IC वगैरह, ठीक है। तो इस पर हम कोई टेप मार देते हैं पहले, तो कोई से एक टेप लेते हैं और टेप ऐसे मार देते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट होगा तो इसके अंदर जो बैटरी है वो आग भी लग सकता है, ठीक है। तो इनको साइड में रखते हैं। तो आपने पहचान कर लिया दोनों बैटरी के हैं, और ये दोनों हैं जो कि ऑडियो का है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको हटा दिया है, अब इसका काम हो गया है, इसको हम साइड में रखते हैं। और रही बात ये, तो इसको हम क्या काम करेंगे दोस्तों, एक चिमटा लेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे इसको ऐसे पकड़ लिया है और इसको इसके ऊपर हीट होने के लिए रख देंगे। और एक दूसरा आयरन लेंगे और इसको इस तरह से पकड़ेंगे, जब ये हीट हो जाएगा तो इसको हम चिमटी की मदद से निकाल लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा। YouTube पे आपने बहुत ही कम वीडियो इस तरह का देखा होगा, तो आप देखेंगे थोड़ा सा हीट हो गया, इसको हम बाहर
निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बाहर निकल गया है, ठीक है। अब इसके जगह हम दूसरा माइक को लगा देंगे। इस तरह से हमने इसको लगा दिया है, देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कितनी आसानी से इस माइक को मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी ये गर्म है थोड़ा, और ये देखिए इस माइक को मैंने चेंज कर दिया है, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका ब्लूटूथ का माइक या एलईडी या कोई आईसी वगैरह ख़राब हो जाए तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं एक आयरन की मदद से। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और बाकी आप इस पर जो कनेक्शन है इस तरह से कनेक्शन करके बंद कर देंगे और इसको हम ऑन कर लेंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें मैंने इस वायर को जोड़ दिया है, अभी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिए।